इमेजिन आप एक फैमिली ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ एक इंसान हु इज गुड लुकिंग एंड चार्मिंग ऑफर्स यू अ लिटिल हेल्प, और बदले में आप उसे अपने टेबल पे बुला लेते हैं, एंड देन ही टर्न्स आउट टू बी अ पर्सन जो आपके पीछे पीछे आपके घर पे आ जाता है, फिर भी आप उसे बिठाते हैं, चाय ऑफर करते हैं, एंड देन यू हेल्प हिम आउट जस्ट टू फाइंड आउट दैट ही हैज हिप्नोटाइज्ड वन ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड ही रिफ्यूजेस टू गो आउट। इसके आगे इस मूवी में क्या होता है, इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कुछ वीक पॉइंट्स हैं। लेट्स डिस्कस द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फर्स्ट। लोकेशन इस मूवी के थीम को सपोर्ट करता है, चाहे वो क्लाउडी वेदर हो, बारिश हो या फिर फार्म हाउस हो। बैकग्राउंड म्यूजिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस मूवी, विथ अगेन इम्पैक्ट्स द ओवरऑल स्टोरी टेलिंग एंड द क्रीपीनेस एसोसिएटेड विद द मूवी। सिनेमाटोग्राफी इज जस्ट फाइन। इस फिल्म के वीक पॉइंट्स हैं एक्टिंग। लाइफ में शायद पहली बार और होपफुली आखिरी बार बोलूं दैट अजय देवगन डिड नॉट लुक कन्विंसिंग एज ए कैरेक्टर। अगर आप सोचते हैं कि आप क्या करें, देन इट गिव्स डेप्थ टू योर कैरेक्टर बाय कन्वेइंग द हेल्पलेसनेस इन द स्टोरी। लेकिन एज एन एक्टर अगर आप सोचते हैं कि अब आप क्या करें, देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू एज एन एक्टर और एज अ कैरेक्टर, एंड देन यू डोंट लुक कन्विंसिंग। अजय देवगन के साथ इस फिल्म में यही प्रॉब्लम है। बात करते हैं ज्योतिका की। इसमें इन्होंने माँ का किरदार निभाया है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक सिलेंडर है जो रूम में है, उसका नॉब 10 मिनट से ओपन है, एंड देन यू सडनली इंटर्स इनटू द रूम, यू विल फील दैट स्मेल, राइट? यू विल फील सफोकेटेड। बट ज्योतिका डज नॉट इवन एक्नॉलेज द स्मेल, लेट अलोन द सफोकेशन। दैट्स अ बेसिक थिंग एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी व्हेन एन एक्टर डज नॉट इवन गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ द एक्टिंग। बात करते हैं जानकी वोडीवाला की। इन्होंने इसमें बेटी का किरदार निभाया है। एज एन एक्टर शी मस्ट बी एग्जॉस्टेड, इट्स अ डिमांडिंग रोल, नो डाउट। ये रोल प्रिपेयर करने में यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट लेंथ इमोशनली, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एंड आई थिंक शी हैज जस्टिफाइड द रोल। इस मूवी के दो सबसे खराब पहलू हैं। सबसे पहला डायरेक्शन। विकास बहल का डायरेक्शन इतना खराब है, इतना ही खराब है कि अगर BGM अच्छा नहीं होता, अगर लोकेशन अच्छा नहीं होता, अगर सिनेमाटोग्राफी अच्छी नहीं होती, अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार कास्ट नहीं होता, तो ये मूवी इतनी रद्दी होती कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस मूवी की दूसरी सबसे खराब बात यह है कि माधवन का कोई बैक स्टोरी नहीं है। यू विल नॉट नो व्हाई इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। एक एक्टर्स के चॉइस होते हैं और एक राइटर्स के चॉइस होते हैं, दोनों चॉइसेस एब्सेंट लगते हैं। व्हाई ही वांट्स टू कंट्रोल द वर्ल्ड। जनरली सच अ कैरेक्टर सफर्स अ सीवियर ट्रॉमा इन द चाइल्डहुड, और समथिंग माइट हैव हैपेंड हिम, दैट इज व्हाई ही वांट्स टू कंट्रोल द वर्ल्ड। ये चीजें माधवन के चॉइस एज एन एक्टर एब्सेंट है, और स्क्रीन प्ले में भी ये चॉइसेस नहीं दिखाई गई है, और मूवी में भी कोई बैक स्टोरी नहीं है। एंड दिस वाज अ ब्रेकिंग डील फॉर मी। अगर आपको हॉरर मूवी पसंद है, अजय देवगन पसंद है, अच्छे लोकेशंस पसंद है, तो आप जाइए और जाकर मूवी देखिए। ये मूवी छोटी है तो आप बहुत ज्यादा बोर नहीं होंगे। इफ दिस मूवी हैड बीन फॉर लाइक 2 hours 30 minutes, 2 hours 45 minutes, यू वुड किल योरसेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी, गो अहेड एंड वॉच एंड पुट योर कमेंट एंड योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज दैट इज वॉट मैटर्स टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द मैजिक दैट वी कॉल सिनेमा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल को। थैंक यू, टेक केयर।